इज़ वेलकम टू माई चैनल और आज हम स्टडी करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है पहला सेक्शन देखा था 14 जुलाई 1789 का, जिसमें जो है 17,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड होते हैं और हमला करते हैं फोर्ट में कि उन्हें कुछ हथियार मिल जाए। और उन्होंने 7 प्रिजन्स को भी छुड़ा दिया था और एक कमांडर जो है उनको मार दिया था। और भी ये सब फ्लैशबैक है। अब यहाँ से अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं 1774 से। तो 1774 में जो लुई 16 है वो राजा बनते हैं और वो बवन फैमिली से थे। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। 20 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अलग है और ऑस्ट्रियन जो है वो अलग है। ऑस्ट्रियन जो है वो एक कंट्री है जो फ्रांस के पास ही था, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग ही कंट्री है। अभी की जो है ऑस्ट्रेलिया वो नहीं, उसे रिलेट उससे नहीं करना, ठीक है। तो ये अलग अलग थे। अब जो है जो न्यू किंग जो है लुई 16, उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी, ट्रेजरी मतलब खजाना जो है वो खाली है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उनकी उसका क्या रीज़न था कि उनकी एम्प्टी ट्रेजरी थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो पूरे डिटेल के साथ कि उनकी एम्प्टी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी क्यों। फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। तो जो फ्रेंच सोसाइटी वाज मेनली अ फ्यूडल सोसाइटी, इसका मतलब जो है तो ज़्यादातर लोग जो थे लोग थे फ्रेंच सोसाइटी के वो फ्यूडल सिस्टम में जी रहे थे। तो अब फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम मीन्स एक पर्टिकुलरली जो राजा या ज़मींदार है या लैंड लॉर्ड है उसके पास, उनके पास जो ज़मीन रहता है, बहुत सारी ज़मीन रहती हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि वो फ्यूडल्स को दे देते हैं काम करने के लिए। फिर जो फ्यूडल्स हैं वो उस पर काम करके ये जो है प्रोडक्शन करते हैं और फिर मनी ये उन्हें मिलता है। तो वो मनी जो है उन्हें राजा या फिर ज़मींदार जो है उन्हें देना पड़ता है एक टैक्स की तरह, वो होता है फ्यूडल सिस्टम। जो सिस्टम है अब 1789 से पहले इसे ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। अब 1789 से पहले क्यों, बाद में क्यों नहीं, तो बाद में हमने देखा था पहले वीडियो में कि उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था 14 जुलाई 1789 से, इसलिए 1789 से पहले की बात हो रही है कि उसे ओल्ड रिजाइम कहा जाता था। देखेंगे कि स्टेट कैसी थी। तो स्टेट जो थी वो 3 स्टेटों में डिवाइड थी, तो जिसमें थर्ड स्टेट बस को टैक्स पे करना था। हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी फर्स्ट स्टेट देख लेते। तो फर्स्ट स्टेट में जो थे क्लर्जीज थे, तो क्लर्जीज जो थे वो चर्च के, उन्हें चर्च के स्पेशल पावर्स मिल जाती थी। तो क्या था, जैसे हम अगर इंडिया में देखें तो उन जैसे कि पंडित या फिर पुरोहित जो थे, जैसे राजा को जो वो एडवाइस देते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो क्लर्जीज थे। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेट में थे नोबल्स। तो नोबल्स जो थे वो किंग या फिर किंग के रिलेटिव्स, हाँ किंग भी थे, उनके रिलेटिव्स भी थे। तो ये जो जितने खानदान इन सब जो है किंग्स के वो हो जाते हैं नोबल्स में, राजघराना, हाँ ये भी बोल सकते हैं हम। तो अब जो थर्ड स्टेट हम देखते हैं, तो थर्ड स्टेट में पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स ये सब थे, ये आर्टिजन्स। तो स्मॉल मतलब कि थर्ड स्टेट में तो ये सब थे, और थर्ड स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और थर्ड स्टेट ही ऐसा स्टेट था जिससे टैक्स लिया जाता था। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जो पीजेंट थे वो 90% पॉपुलेशन था, मतलब पीजेंट मतलब थर्ड स्टेट में जो थे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, 90% पॉपुलेशन था, ठीक है पीजेंट्स का। हाउएवर ओनली द सम नंबर ऑफ देम ऑनर्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, मतलब कि उनमें से कुछ ही लोग थे, बहुत कम लोग थे जिनके पास खुद का लैंड था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑनर्ड बाय नोबल द चर्च एंड अनदर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब कि जो
60% जो लैंड था, सबसे ज़्यादा लैंड था, वो नोबल्स के पास था और क्लर्जीज के पास था। जो चर्च में काम करते थे वो ही हो जाते हैं क्लर्जीज, तो उनके पास था सबसे ज़्यादा लैंड। तो जैसे मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम चलता था, तो वो अपना लैंड दे देते थे उन्हें काम करने के लिए और उनसे वो टैक्स लेते थे। द मेम्बर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, मतलब कि फर्स्ट टू स्टेट मतलब क्लर्जीज एंड नोबल्स, है ना, तो इन्जॉय करते थे वो अपने सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब वो बर्थ से ही, मतलब जन्म हम से ही उन्हें एक सर्टेन प्रिविलेजेस जो उन्हें अधिकार मिल जाते थे, जैसे उन्हें कपड़ा या फिर खाने आने का, और उनके पास ज्वेलरीज भी रहती थी, जैसे हमने मूवीज़ या फिर सीरियल्स में देखे होंगे, तो उनके पास बर्थ से ही कुछ प्रिविलेजेस रहते थे, लेकिन प्रिविलेजेस रहते थे और उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट में थे उन्हें ये सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंड सोसाइटी में कौन कौन से टैक्स लगते थे, तो इसमें दो टैक्स लगते थे। पहला चल था टेथ, तो फर्स्ट स्टेट के लोगों ने टेथ टैक्स लगाया था। इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स जो थे वहाँ के थर्ड स्टेट के थे जो मेनली, तो उन्हें जो भी उन प्रो एग्रीकल्चर्स की जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उनका 1/10 जो था उन्हें उन्हें चर्च में देना पड़ता था, वो टेथ टैक्स था। जो है सेकेंड टैक्स जो था वो टेल था, तो उसमें क्या था कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, मतलब कि जो ये टैक्स है वो डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है, वो हो जाता है टेल टैक्स, ठीक है। ये सेकेंड टैक्स जो मेनली सिर्फ थर्ड, ये दोनों टैक्स जो है हमने देखे वो सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था।